सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा जिले के खरौंधी थाना भवन निर्माण को लेकर उच्च पदाधिकारियों के निर्देश पर आज खरौंधी प्रखंड कार्यालय के बगल में सटे जमीन का निरीक्षण एसडीओ जयवर्धन कुमार एसडीपीओ प्रमोद कुमार केसरी ने किया। जमीन को लेकर कर्मचारी सह प्रभारी अंचल से आई विनेश्वरी कुमार से जमीन को लेकर पूछताछ की एवं स्थल पर जाकर जमीन का अवलोकन किया। दोनों पदाधिकारियों ने आपस में जमीन के किस्म को लेकर काफी देर तक स्थल पर सीआई सह कर्मचारी विनेश्वरी कुमार से चर्चा की। इसके बाद एसडीओ ने जमीन के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए एवं एसडीपीओ प्रमोद कुमार केसरी से चर्चा के बाद एसडीओ ने प्रभारी सीआई सह कर्मचारी विनेश्वरी कुमार को निर्देश दिया कि 3 एकड़ जमीन का प्रस्ताव तैयार कर अनुमंडल कार्यालय में 2 दिनों के अंदर भेजें ताकि भवन निर्माण कार्य शुरुआत किया जा सके। वहीं एसडीपीओ प्रमोद कुमार केसरी ने थाना प्रभारी राहुल कुमार मिश्रा को निर्देश दिया कि जमीन का खाता प्लॉट जमीन किस्म को कर्मचारी से मिलकर व्हाट्सएप पर दें ताकि पुलिस अधीक्षक गढ़वा को सूचित किया जा सके। एसडीओ जयवर्धन कुमार ने बताया कि थाना भवन जमीन को लेकर बहुत दिनों से तलाश की जा रही थी लेकिन अब तलाश पूर्ण हो चुका है। प्रखंड कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं थाना तीनों एक ही स्थान पर हो जाएगा जिससे लोगों को काफी सुविधा होगी। वहीं मौके पर विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार यादव सांसद प्रतिनिधि राम खिलावन पासवान अंचल अमीन कुंदन कुमार ठाकुर सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। खरौंधी से रिकेश ठाकुर की रिपोर्ट।